उल्टी गिनती शुरू। अगले 72 घंटों में क्या होगा, इमरान रियाज खान अहम खबरें ले आए। सहाफी इमरान रियाज खान ने कहा है कि अपनी अपनी घड़ियां देख लें और टाइम सेट कर लें, क्योंकि अगले 72 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि इन 72 घंटों में इमरान खान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय हो जाएगा। पीर से पहले हर हाल में आईनी तरमीम को अंजाम देना लाजमी है। इमरान रियाज खान के मुताबिक सेनेटर की गुमशुदगी पर मौलाना फजल रहमान का सख्त रद्द अमल सामने आया। मौलाना फजल रहमान के पास मखसूस किस्म की स्ट्रीट पावर है। फजल रहमान ने अपना क्राउड निकाला तो हुकूमत मुसीबत में पड़ जाएगी। फजल रहमान ने अपने कारकुनों से हलफ भी ले रखा है कि उनकी एक आवाज पर बाहर निकलना है। मौलाना फजल रहमान ने वाजे कर दिया है कि मेरी मर्जी के बगैर वोट लेंगे तो उसका रद्द अमल सड़कों पर होगा। इमरान रियाज खान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जबरदस्त सियासी नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा कि हमें ये मुसविदा इमरान खान को जेल में दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने वोट डालना है तो उसमें इमरान खान की मुशावरत से ही वोट डाला जाएगा। हो सकता है कि इमरान खान को अगले 2 दिन तक किसी को ना मिलने दिया जाए। हुकूमत की कोशिश है कि इतवार तक आईनी तरमीम कर लें। अब फजल रहमान उस वक्त तक वोट नहीं डाल सकते जब तक पीटीआई के लोगों की इमरान खान से मुलाकात हो जाए। सहाफी इमरान रियाज खान ने कहा कि असद कैसर, सलमान अकरम राजा और हामिद रजा का आईनी तरमीम को रोकने में अहम किरदार है। हुकूमत सेनेट में ये तरमीम पेश करना चाह रही है, लेकिन वहाँ नंबर ही पूरे नहीं।